कोई कष्ट हो रहा है तो वो थोड़ा सा शांति रहते, वो नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं करें, वो केवल नहीं करें और बाएं तरफ करेंगे मूवमेंट घड़ी की उल्टी दिशा एंटी क्लॉकवाइज। विदिशा शहर के योगा एवं वेलनेस इंस्ट्रक्टर डॉक्टर राहुल जैन ने विदिशा की पुराना जिला चिकित्सालय स्थित श्री हरि वृद्ध आश्रम के बुजुर्गों को कुर्सी पर बैठाकर ही सूक्ष्म योगासन करने का प्रशिक्षण देते हुए कहा कि नियमित रूप से सूक्ष्म योग क्रियाएं करने से बुजुर्गों का स्वास्थ्य बेहतर होता है। साथ ही वृद्धावस्था में होने वाली डिमेंशिया, डिप्रेशन, हाइपर टेंशन, जोड़ों का दर्द जैसी बीमारियों पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारत सरकार द्वारा विश्व योग दिवस की पूर्व वेला में मानवता के लिए योग का संदेश समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने हेतु प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने विश्व को योग के रूप में एक ऐसा अमूल्य उपहार दिया है जो समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु सहज और सुलभ है। मंगलवार है 21 जून, उसको हमारे देश की सरकार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विश्व योग दिवस के रूप में विश्वभर में स्थापित किया गया। योग की सीमा किसी विशेष देश, धर्म, समाज एवं जाति से परे होकर मानव शरीर, मन और आत्मा के मिलन का मार्ग प्रशस्त करता है। श्री हरि वृद्धा आश्रम में वरिष्ठ आयु के सम्मानी नागरिकों का स्वास्थ्य लाभ हेतु भजनमय योग एवं ध्यान का अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। बुजुर्गों ने पूरे उत्साह से अपनी आयु एवं शरीर की अवस्था को ध्यान में रखते हुए कुर्सी पर बैठकर ही सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम एवं मेडिटेशन का अनूठा ज्ञान प्राप्त किया। इस अवसर पर संस्था की अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा शर्मा और संचालक वेद प्रकाश शर्मा अपनी टीम के साथ उपस्थित रहे। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेली की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। मंगलवार है 21 जून, उसको हमारे देश की सरकार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विश्व योग दिवस के रूप में विश्व भर में स्थापित किया गया है। वेद प्रकाश शर्मा और संचालक श्री हरि वृद्धाश्रम विदिशा, योग और वेलनेस इंस्ट्रक्टर डॉक्टर राहुल जैन द्वारा जो बुजुर्गों को सूक्ष्म व्यायाम के विभिन्न तरीके बताए गए वो बुजुर्गों के लिए बहुत वरदान साबित होंगे। और बुजुर्गों ने जो नई नई टेक्निक्स से बैठे बैठे योग करने की जो क्रियाएं सीखी हैं, इसको लेकर के बुजुर्ग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।